कि ये हमारे ही समाज का बच्चा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। 2 मिनट बात नहीं करवा सकते थे? नहीं करता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। राजनीति का तो इस भर्ती ने मुझे हर पल मारा है मुझे। उसी मौर्य सभा यहाँ थी, एक मौर्य सभा, उसमें हरपाल मौर्य जी आए थे, तो उन्हीं के सभा में मैं आया था। गया था, मैं गलत मांग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आयोग की रिपोर्ट है। मेरे समाज के नेता मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैंने कभी। आप लोग समाज में लोग देख लीजिए, यही हाल है, दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की आवाज पे कम से कम 50 बार गया हूँ, गालियां भी। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, हम सब तक हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा नाम अमित मौर्य है, यही हमारे गांव के पास में एक अमरपाल मौर्य जी, एक छोटा सा कार्यक्रम था मौर्य सभा, उसी में आए थे, और जितने मौर्य थे, मौर्य समाज के लोग आए थे। तो हमने सोचा कि जो हमारी पीड़ा है, 640 दिनों की पीड़ा है, लखनऊ के इको गार्डन में जो एक जेल हुआ करती थी उसमें हम लोगों ने बिताया है, वो दर्द हम इनसे कहेंगे और इनसे बताएंगे, तो ये राज्यसभा सदस्य हैं, हो सकता है हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएं। मोदी जी से मिलते रहते हैं, योगी जी से मिलते रहते हैं, तो न्याय दिलाने की बात करें। मैं यही उम्मीद के साथ आया था, एक ज्ञापन लिया था, तो मैंने कहा सर 2 मिनट में उसे बात करनी है। तो सर ने हमारा ज्ञापन, हमने जैसे 69,000 का नाम लिया, उन्होंने हमारा ज्ञापन ऐसे ले लिया, हाथ में पकड़ लिया, ना कुछ सुना ना कुछ, कहा कि अभी बात करते हैं, वो चले गए। उसके बाद फिर मैं बाहर बोलता रहा, उसके बाद कई सारे नेता हमारे समाज के ही हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी हमें जानते हैं, वो हमको डांटने लगे, अलग से हमको डांटने लगे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये राजनीति करता है, राहुल गांधी से मिला था। मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, मैं राहुल गांधी से मिला था, मेरी पीड़ा थी, मैंने उनसे ये कहा था कि आप मिलके राहुल गांधी को एक पत्र लिखिए, आप जाइए राहुल गांधी को एक पत्र लिखिए कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो हम लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करें, जैसा कि राहुल गांधी ने पत्र को लिखा भी था। उसके बाद जैसे अब यह राहुल गांधी की बात नहीं है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैंने चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसी के पास मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां मैंने खटखटाया ना हो, मैं सबके पास गया हूं। कोई ये एलिगेशन अगर लगाता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो वो मेरा पूरे घर का बैकग्राउंड देख सकता है कि क्या मैं राजनीति करने लायक हूँ, मेरी औकात है राजनीति करने की। ऐसे एलिगेशन लगाने मत करिए, हक दिलाने की जहाँ बात आई है वहाँ हक दिलाइए। ऐसे आप किसी के ऊपर आरोप लगा के ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समाज के हैं और हमें आपसे कहना है, हमारा हक बनता है आपसे कहेंगे, हम डरते नहीं हैं, हम अपनी बात सही है तो सही कहने में क्यों डरेंगे, हमको चाहे मारो, जेल भेजो, काटो, कुछ भी करो, हम नहीं डरते हैं। हमको कोई मार के धमकाएगा यहाँ, हम नहीं डरने वाले। हमको यहाँ धमकाया जा रहा था, हमको अलग अलग से लोग टॉर्चर, हमारे समाज के लोग टॉर्चर कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ये हमारे ही समाज का बच्चा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। 2 मिनट बात नहीं करवा सकते थे, बात भी करवाए तो हमको वहां अड़काया जा रहा था, वहां मुझे धमकी दी जा रही थी, क्योंकि मैं वहां अकेले था, हमारे समाज के लोग ऐसे देख रहे थे, हमारे समाज के नेता ऐसे देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, हमसे कह रहे थे ये राजनीति करता है, राहुल गांधी से मिला था। मैं राजनीति नहीं करता हूँ मैं सच बता रहा हूँ, राजनीति करता हूँ, इस भर्ती ने मुझे हर पल मारा है मुझे। बस यही मन करता है, मुझे जीने का मन नहीं करता, मैं सोचता हूँ कम मर जाऊँ ऐसे टॉर्चर होने से ज्यादा, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मेरे समाज के नेता मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैंने कभी किसी और से राजनीति के बारे में कहीं बात नहीं किया। मैं 6800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित एक शिक्षक हूँ, ओबीसी एससी समाज से आता हूँ, ओबीसी एससी शिक्षकों की, ओबीसी एससी बच्चों की क्या हाल है, आप लोग समाज में लोग देख लीजिए, यही हाल है, दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की आवाज पे कम से कम 50 बार गया हूँ, गालियां मिली है। एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मौर्य सभा बनाने आते हो, उसी मौर्य सभा यहाँ थी, एक मौर्य सभा, उसमें हरपाल मौर्य जी आए थे, तो उन्हीं के सभा में मैं आया था। मैंने सोचा कि वो मेरी बात रखेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, मेरा दर्द सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सुनने से मना कर दिया, मुझे अलग से अड़काया। कई सारे नेता थे हमारे, कई ब्लॉक प्रमुख थे, विधायक जी भी थे, लेकिन किसी ने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा, सिर्फ मुझे डांटने के सिवा, मुझे आरोप लगाने के सिवा किसी ने कुछ भी नहीं समझा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं जिंदा रहूं, इस तरह का टॉर्चर होना नहीं चाहता।
लोग मुझे सुनना ही नहीं चाहते, मेरा दर्द क्यों नहीं सुनना चाहते लोग, हमें ये नहीं समझ में आता। मैं अपनी बात लेके गया था, मैं गलत मांग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आयोग की रिपोर्ट है, मेरे पास सब कुछ तो है, मैं सब रिकॉर्ड तो लेके आया। योगी जी ने ट्वीट किया, वो ट्विटर हैंडल का भी मेरे पास फोटोकॉपी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे पास वीडियो है, सब कुछ है। जो उन्होंने माना है कि विसंगति हुई, उसके बाद भी हम लोग क्यों भटक रहे हैं? हमारी जगह 6,800 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और हमको सड़कों में भटकाया जा रहा है, हमको राजनीतिक बताया जा रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हमको धमकी दी जा रही है। हम एक गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हमारे साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग, हमारी दर्द को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए, ये लोग हमको नहीं समझना चाहते। सब कुछ जानते हैं मेरा दर्द, उसके बाद भी लोग अवॉइड कर रहे हैं हमको। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम सत्ता पक्ष के पास जाते हैं तो वो सुनते नहीं, विपक्ष के पास जाते हैं कि वो सदन में मेरी बात रखेंगे तो वो मुझे राजनीतिक बताते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 6,800 सीटों का, उसके बाद में हम लोगों को न्याय नहीं दिया गया। चुनाव के समय योगी जी लिस्ट तो निकाल देते हैं, लेकिन 2 साल से सड़कों पे गालियां कहें, पुलिस की लाठियां कहें, मार कहें, जातिगत गालियां। ये लोग जो समाज के नेता बन रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? हम लोगों को वहां जातिगत गालियां दी जा रही थी, जूतों से मारा जा रहा था, वो पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। हमारी क्या गलती है? सिर्फ यही गलती है कि हम ओबीसी एससी हैं, इसलिए हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम